आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप सबों को शहर से दूर शुद्ध वातावरण में शुद्ध हवा और जंगलों के बीच लिए चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और मेरे गांव की सैर जरूर करें और देखें कि वहां के लोग कैसे अपने जीवन को जीते हैं, गांव का जो घर होता है वह किस तरह का होता है और अपने जीविकोपार्जन के लिए वो लोग क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं और आप लोगों को भी लिए चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो मेरे गांव का नाम है सिमडेगा, जो झारखंड में बसा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं, अपने सफर को तय करते हैं। तो इस तरह हम अब निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ और आप देख सकते हैं दोनों साइड पर ये पेड़ ही पेड़ और बीच में इस तरह बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है पेड़ों के बीच में, और बहुत ही दिल को सुकून देने वाला यह दृश्य है। सब तरफ हरियाली ही हरियाली, इस गर्मी के मौसम में भी हरियाली ही हरियाली है। तो दोनों साइड से इस पेड़ का जो भी छाया है वो हमें गर्मी के दिनों में सुकून देता है और बिल्कुल भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होने लगेगा। तो इस तरह हम अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं और हमें अपने गांव पहुंचने में 6 घंटे का सफ़र तय करना होगा अपनी गाड़ी से। अगर आप बस पर जाएंगे तो 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो इस तरह हम अब सिमडेगा के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, गर्मी के मौसम में भी इस तरह पूरी हरियाली बनी हुई है। और ये है बंदर लौरी का फूल। तो हम लोग एक जगह पर रुके जहाँ नाश्ता हमें करना था, तो उसी के बगल में ये एक पेड़ है। तो इस फूल का नाम बंदर लौरी होता है जिसे कहते हैं। तो ये मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं इस पेड़ के समीप गई और कुछ वीडियो में इसका भी बना ली। और बहुत ही सुंदर ये पूरा पेड़ इस पीले फूलों से लदा हुआ है। तो मैं कुछ गुच्छे फूल के तोड़ ली हूँ इस तरह, और इसका जो सुगंध बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ब्राइट कलर में इस तरह। ये फूल का नाम है बंदर लौरी जिसे कहते हैं। तो इस तरह मैं 2-3 गुच्छा तोड़ ली हूँ। बहुत ही देखने में खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला यह फूल है। तो इस तरह इसके फूल होते हैं। और जहाँ हम लोग नाश्ता के लिए रुके इस जगह को कमदरा कहते हैं। तो ये वहीं का रोड साइड पर चर्च बना हुआ है। तो ये कमदरा का चर्च है। अब चलिए चलते हैं हम फिर अपने गांव की तरफ। तो इस तरह पहाड़, पर्वत, पेड़, नदी, नाले, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। शहर के वातावरण से दूर इस तरह का शांत माहौल काफ़ी मन को सुकून देता है। और चारों तरफ ये इस तरह जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली।
हम लोगों को कुछ काम से अपने गांव जाना था, तो मैं सोची कि आप लोगों को भी लिए चलती हूँ अपने गांव की तरफ, कि वहाँ के लोग किस तरह अपना जीवन जीते हैं और झारखंड में किस तरह हमारे पेड़ पौधे कितने हमारे झारखंड में हैं और कितनी हरियाली। ये पेड़ पौधे के नाम से ही हमारा ये झारखंड राज्य जाना जाता है। इस तरह आपको चारों साइड पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। अभी पतझड़ के बाद ये गर्मी के मौसम में इस तरह के न्यू लीफ हर एक पेड़ पर निकल आए हैं। तो इस तरह हम अब करीब अपने गांव सिमडेगा की तरफ पहुंच चुके हैं और ये हम अपने गांव के अंदर जा चुके हैं और ये गांव की ओर जाती हुई ये सड़क है। तो इस तरह हमारे गांव का सड़क कुछ टूटा फूटा सा है, लेकिन घर तक हमारा रास्ता आपको इस तरह मिलेगा। सरकार ने काफी सुविधाएं दे रखी है। हम लोग आगे जाके थोड़ा शॉर्टकट अपना लेंगे ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। तो ये पक्के वाले जो रास्ता है हम उसे छोड़ देंगे ताकि हम जल्दी अपने घर तक पहुंच पाए। वैसे तो घर तक पूरी सड़क पक्की बनी हुई है। तो ये जो आप साइट पर खुदाई देख रहे हैं, ये पानी का पाइप बिछने वाला है, इसमें लगेगा ताकि गांव तक पानी का सप्लाई हो सके। तो इसके लिए ये खुदाई अभी चल रही है। गांव में बहुत ही कम आपको लोग दिखेंगे, पूरा सड़क आपको खाली ही दिखेगा। तो चलिए अब थोड़ा हम तेज रफ्तार में चलते हैं। तो हमारी गाड़ी तेज नहीं चल रही है, बस ये वीडियो तेज चल रहा है। तो ये गांव पार करके हम अपने गांव पहुंचेंगे। तो इस तरह हम लोग शॉर्टकट अपना लिए हैं, तो कच्चे रास्ते पर हम लोग चले जा रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। तो बस थोड़ी देर में हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। गांव का मनोरम दृश्य, ये लोग पुआल को इस तरह चांद पर रखते हैं। और इस तरह हम अपने गांव पहुंच चुके हैं और इस इमली के पेड़ के नीचे हम अपनी गाड़ी लगा देते हैं छांव पर और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये हमारा गांव का घर है और ये अंदर का। तो जो हमारे गांव के देवर हैं, अपने पुराने घर को छोड़ के साइट पर ये घर बनाए हैं, तो ये लोग इसी में रहते हैं और अपना जीविकोपार्जन के लिए ये लोग खेती करते हैं। तो
ये आप देख सकते हैं मिर्च है जो सूख चुकी है, उस मिर्च को तोड़कर ये लोग अपने घर के अंदर ही फैला दिए हैं ताकि ये और अच्छी तरह सूख जाए और इसे ये लोग मार्केट में बेच सकें। तो हम नाश्ता करने के बाद अपने घर के आंगन में जो आम का पेड़ है उसी के नीचे बैठे हुए हैं और इस आम के पेड़ में बहुत ही बड़े साइज में आम फले हुए हैं और बहुत सारे आम हवा की वजह से गिर भी गए हैं, तो कुछ बचे हुए आम अभी पेड़ पर लगे हैं और ये आम अब पकने पर हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने बारी की तरफ। तो ये हमारा कटहल का पेड़ है, तो इसमें कटहल फले हुए हैं और ये हमारा गांव का चर्च है, तो गांव के लोग इसी में चर्च करते हैं। और ये है छोटे छोटे बकरी के बच्चे जो पेड़ की छांव पर सो रहे हैं। और इधर भी और दो बकरी के बच्चे, तो इस तरह गांव के घर होते हैं। और ये जलावन की लकड़ी है, तो खपरेल और मिट्टी के इस तरह बने हुए गांव के घर होते हैं। तो अभी लोग इसमें नहीं रहते हैं, अपने गाय बैल बकरी इन्हीं को इसमें ये लोग रखते हैं। इस तरह ये मिट्टी के पुराने घर हैं। और आगे चलते हैं अपने बगीचे की तरफ जहाँ खूब सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। इस तरह होते हैं गांव के घर। तो इसमें मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, तो अभी सारी मिर्च पक रही है, तो इसी से तोड़ के ये लोग अपने घर पर सुखा रहे हैं ताकि सूख जाने के बाद ये मार्केट में इसकी बिक्री कर सकें। और ये भी कटहल का पेड़ है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने बारी पर जहां कई तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। तो ये है तुरई का सब्जी, तो अपने जीविकोपार्जन के लिए ये लोग कई तरह की सब्जियां लगाते हैं और सप्ते में 2 बार गांव में मार्केट सब्जी के बाजार लगती हैं, तो उसी में ये लोग तोड़कर अपनी सब्जियां ले जाकर बिक्री करते हैं। तो ये झाड़ी जो देख रहे हैं इसमें परवल लगी हुई है और इस तरह परवल की सब्जियां भी ये लोग खूब लगाते हैं और मार्केट में इसकी अच्छी बिक्री होती है। और इधर है ये साग, पुई का साग, तो ये लोग इसे भी लगा रखे हैं। ये अभी तैयार नहीं हुई है मार्केट में जाने के लिए, सब्जी मंडी में। तो हम लोग कुछ सब्जियां अपने बागान की तोड़ने के लिए आए हैं, तो हमारे जो देवर हैं वो हमारे लिए सब्जियां तोड़ रहे हैं ताकि हम घर ले जा सकें।
तो शांत वातावरण में गांव हमें जरूर आना चाहिए, ताकि हम अपने बगीचे को, बागान को, पेड़ पौधे को देख सकें और शांत वातावरण में हम सुकून भी ले सकें। तो इस तरह परवल की सब्जियां बेलों पर आती है, तो इसलिए इसके लिए इस तरह झाड़ी दिया जाता है, ताकि बेले इसमें आ सके। और भी कई तरह की सब्जियां बागान पर लगी हुई है। और ये है साग, पुई का साग, तो ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। और इधर ये पूरा परवल लगा हुआ है। और ये है नेनुआ, जिसे तुरई कहते हैं, तो ये उसी का पौधा है। तो ये पौधे अभी छोटे हैं, अभी इसमें फल नहीं आए हैं। और इधर ये भिंडी लगा हुआ है, भिंडी, मिर्च और लौकी का पौधा भी लगा हुआ है। तो ये भिंडी और मिर्च का पौधा अभी छोटा है, तो ये भिंडी का पौधा है, पूरे में ये भिंडी लगा हुआ है। और ये मिर्च का पौधा और लौकी भी उस साइड पर लगा हुआ है, मैं नहीं जा पाई। और इसे किस तरह ये लोग पटावन करते हैं, चलिए मैं नदी की ओर ले चलती हूँ, जहाँ से ये पटावन करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं नदी के साइड पर। तो इस तरह हम नदी पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, गांव के लोग, अपने खाने के लिए। तो गर्मी की वजह से नदी काफी सूख चुकी है। तो लोग इस तरह मछलियां पकड़ते हैं जाल से। और इधर ये बगान पटाने के लिए पाइप लगा हुआ है, जहाँ से ये बगान पटाते हैं। तो इस तरह ये पाइप के द्वारा बगान की पटाई करते हैं, पूरे खेत पर इस तरह पानी छोड़ते हैं ये लोग। अब हम चलते हैं बगीचे की तरफ, आम के बगीचे की तरफ। तो ये देखिए आम हम बगीचे से तोड़ लिए हैं अपने घर जाने के लिए, और ये बहुत ही बड़े आम के पेड़ है। तो ये बगीचा है हमारा आम का। और ये लोग मार्केट में इसे भी ले जाकर बिक्री करते हैं। तो मेरे जो गांव के देवर हैं, हमारे लिए पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहे हैं। और पेड़ काफ़ी बड़े होने की वजह से आम दिखलाई नीचे से नहीं देते हैं। तो इस तरह हम पूरे दिन घूमते घूमते, दिन पूरा हमारा बीत चुका है। तो इस तरह आम फले हुए हैं। तो हम इसी से तोड़ के आम अपने घर ले चलेंगे।
तो ये हमारे आम के बगीचे की आम है। अब हम आम तोड़ के अपने घर की तरफ चलेंगे। तो इस तरह अब हम अपने गांव से निकल चुके हैं, और पहले ही मैं आप लोगों को दिखला चुकी थी कि पेड़ के बीच में ये रास्ता हमें अपने गांव की तरफ ले चलता है। तो गांव में किसी तरह की कोई बिजली की सुविधा नहीं होती है, तो इस तरह हम अपने ही गाड़ी के लाइट के द्वारा रास्ते पर चले आ रहे हैं और अपने घर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल अंधकार इस रास्ते पर होती है। कुछ भी आपको दिखलाई नहीं देगी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। तो इस तरह हम अपने शहर की ओर पहुंच चुके हैं, अपने घर। अगर आप लोगों को मेरे गांव की सैर करना अच्छा लगा, गांव पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं फिर से आप लोगों के लिए ला सकूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।